यूपी के फतेहपुर जिले में आज चित्रकूट की कामदगिरी मंदिर से अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए जा रहे कामदगिरी शिला यात्रा का जिले में किया गया पुष्प वर्षा बरसाकर भव्य स्वागत। चित्रकूट की कामदगिरी मंदिर से शिला लेकर महंत मदन गोपाल दास जी महाराज जिले से होते हुए अयोध्या के लिए निकल रहे हैं, जहां महंतों की टोली का जोरदार स्वागत एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में किया गया, जहां सैकड़ों संख्या में श्रद्धालुओं ने अयोध्या में लगने वाले शिला का दर्शन किया। वही महंत मदन गोपाल दास जी महाराज ने बताया कि 5 अगस्त को हुए राम भूमि पूजन पर मंदिर निर्माण का पूजन हुआ था, उसी समय पर कामदगिरी मंदिर में शिला का पूजन हुआ था, उसी को लेकर हम अयोध्या जा रहे हैं। वही महंत का कहना है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए पूजा हुआ था, उसी समय कामदगिरी मंदिर कामतनाथ में भी पूजन हुआ था, वही शिला लेकर हम भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, उसे समर्पित करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा पावन संकल्प था। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर कहा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, राम राज भी आएगा। हिंदू राष्ट्र कब तक घोषित होगा यह ठाकुर जी पूरा करेंगे। कामदगिरी से यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, अयोध्या के लिए जा रहे हैं। जो 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए पूजन हुआ था, उसी समय अभिजित मुहूर्त में कामदगिरी कामतानाथ जी में पूजन हुआ था, कामदगिरी भगवान की शिला का। वह शिला लेकर के हम भव्य राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है वहां पर समर्पित करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा मेरा पावन संकल्प था। पूज्य संत श्री चित्रकूट धाम से सारे संत लोग हैं, उनके साथ में कामदगिरी शिला यात्रा है, उसको लेकर के मैं अयोध्या जा रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र की जहाँ बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र कब तक ये मानते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित होगा अपना? हिंदू राष्ट्र है, वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, वो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और राम राज्य भी आएगा। कब तक ऐसा? अब ये तो ठाकुर जी पूरा करेंगे, राम जी पूरा करेंगे, हम जैसे लोग जाने कितने आए और कितने गए।